बैक टू माय न्यू व्लॉग गाइस। आज का व्लॉग जो हमारा है महफिल ढाबा का है और हमारे साथ है मोहम्मद अरसलान जो कि हमारे बहुत खास दोस्त हैं। तो आज हम इनके साथ आए हैं और अभी हम लोग एक दोस्त का और इंतज़ार कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग चलेंगे महफिल ढाबा, अयान ढाबा। आपको आज जायका दरबार सब फेमस जितने बड़े ढाबा है तो आपको सब दिखाते हैं। ये जायका दरबार है, अभी ये बन रहा है पूरा, अंदर से इनको दिखाते हैं हम। ये यहाँ पर खाना इनका बनाने वाला है, ऊपर ये फैमिली वाला है। फैमिली वाला नॉर्मल हो जाएगा, तुम भी फैमिली लेकर आओ। ये अपना जायका दरबार है, क्योंकि मैं अभी तक आया नहीं था, क्योंकि मैं फालतू काम करता नहीं हूँ इसलिए नहीं आता। और अभी हम लोग आपको पूरा टूर देंगे, इसका शराब पीना सख्त मना है, शराब पीना सख्त मना है। ये पूरा फैमिली का है और यहाँ पर इनका स्टॉप है वारियन पीछे बंद हुआ है पीछे, और बैक साइड इसकी बहुत जबर बनी है। ये क्या देख लिया, ये क्या देख लिया मैं, ये देखो भाई साहब बहुत जबरदस्त झूला ऐसे यहाँ पर है झूला, पीछे इसके बैक साइड जस्ट पीछे इसका चालू हो गया। उसके बाद अभी ये इससे ये दीवार बनाई इन्होंने, आर्टिफिशियली है ना, क्योंकि ये सीमेंट की लकड़ी, हाँ ये सीमेंट की पूरी बनाई है इन्होंने। पेड़ पौधा लगाया, अच्छी बात है, बच्चों को खेलना, तू तो बच्चा है ना भाई, और बच्चों के खेलने की जगह। गाइस अभी भाई तुम्हारे खेलने की जगह नहीं है, वो अभी बंद है भाई, फ्री में नहीं झुलाते वो। चलो और इस अभी इसके जस्ट पीछे भी हम लोग जाएंगे। ये देखो गाइस क्या जब बना इन्होंने अंदर से, ओहो जब, ये देखो पूरा वाटर है और इन्होंने वाटर के अंदर ये मतलब ऐसे डिज़ाइन किया है, और चप्पल भी इसका अलग से। ये हम हैं आज माशाल्लाह, क्योंकि मैं पहली बार आ रहा हूँ यहाँ पर। जस्ट बगल भाई फोटो खिंचवाने के लिए बनाए तो मस्त एकदम झकास है ना, हर जगह सीमेंट का वो है। देखो हमने सोचा कि आपको आज इसी का टूर दे दिया जाए, इसके अंदर क्या है। ये देखो अभी ये बन रहा है, ये पूरा सीमेंट का बनाया इन्होंने, ये करकट है, लेकिन गर्मी में ये बहुत जलता होगा। अरे तो पंखा कितना कर लेगा, एसी नहीं कर पा रही है कुछ। ये नॉर्मल बनाया इन्होंने खाने के लिए, ये फैमिली वाला है, ये पूरा फैमिली वाला है। ये यहाँ से लेके पीछे जितना बैक साइड में है ना, 20 लोग से 20-30 आराम से खा। ये फोटो खिंचवाने के लिए है, ये बाहर मतलब उस साइड से रास्ता है, तो आप लोग कभी आइए तो डायरेक्ट पीछे ही आइए। यहाँ पर भी है रात के लिए, अभी उस साइड देखते हैं उस पीछे क्या है, उसके बाद चलेंगे महफिल ढाबा पे, क्योंकि आपको छोटी छोटा टूर दे के हर चीज़ दिखानी है। भाई साहब ये देखो अंदर अंदर क्या बना इन्होंने, फोटो खिंचवाना है, फोटो खिंचाना है। ये मलिक जैन, जैन वाली, अभी अंदर चल के देखते हैं कि अंदर है क्या। तो अंदर देखने के बाद पता चलेगा कि इन्होंने अंदर बनाया क्या है। यहाँ पर काम चल रहा है, यहाँ पर भी खाने वाला बना रहे हैं। ओ इसका व्यू जो आ रहा है ना, मस्त आ रहा है पूरा, ये पूरा मस्त है पूरा। यहाँ पर भी पानी जाएगा, इन्होंने अभी बनाया है, और यहाँ पर भी खाने के लिए बना रहे हैं, तरक्की हो रही है धीरे धीरे। तो अभी हम लोग कुछ फ़ोटो खिंचवाएंगे, फ़ोटो खिंचवाने के बाद ये यहाँ का पूरा व्यू रहा। आप लोग जब आइए वहाँ से खाना खा के वापस नहीं जाइए, बल्कि पूरा मतलब घूम के पीछे साइड पूरा घूम के तब जाइएगा, क्योंकि जो चीज़ है ना मेन वो सब पीछे ही है। मैं जलुआ नहीं जुलूँगा, जलुआ जुलने के लिए बोल रहा है। तो अभी हमारे दोस्त आ रहे हैं कुछ, उनको काटने के लिए बहुत बेचैन है ये। ये देखो गाइस, ये लो नाजीज को वलीद कहते हैं, ये पूरा शराब पीना सख्त मना है, लेकिन ये आता है। मैं ये भी फैमिली वाला है,
पूरा फैमिली का ये मजलिस, मतलब बैठने की जगह जो सऊदी में बोलते हैं मजलिस। और यहाँ पर अभी काम हो रहा है, चलो। और ये रहा जैक का दरबार का लोगो, इसके यहाँ फोटो खिंचवाते। इस हम आ चुके हैं महफिल ढाबा पे, अभी इसके अंदर चलने के लिए चलेंगे। इसको रात का व्यू जो है ना बहुत ज़बरदस्त होता है, एकदम एकदम धुआंधार। ये रहा अपनी महफिल ढाबा, इसको कुछ खरीदना, यहाँ पर कुछ मतलब आइसक्रीम और वो सब मिलता। ये रहा यहाँ का लुक, ब्लर हो गया भाई। और यहाँ पर गार्डन साइड बनाई इन्होंने, वो रात को ये और कूल लगता है, लेकिन रात को आए नहीं इसलिए क्योंकि रात को आने नहीं मिलेगा ना। यहाँ पर पूरा ये ऊपर है रॉयल मजलिस, मतलब रॉयल मजलिस का मतलब क्या हुआ भाई, अमीर लोगों की। भाई साहब ये देखो, पोज मार लो गाइस। और टोपी आज मैंने वो वाली लगाई है वो सब नहीं लगाते। और यहाँ पर खाने का, सलाम अलैकुम। अभी तो ये कितने बजे से स्टार्ट होता है चाचा, कितने बजे से स्टार्ट होता है ये? अभी स्टार्ट है ये यहाँ पर अभी मतलब स्टार्ट हो गया है, नहीं तो नॉर्मली मुझे लगता है 12 बजे तक स्टार्ट होता है पूरा। सावर बोलते हैं उसको। ये इनकी आदत नहीं जाएगी गांव वाली, वैसे मैं भी गांव से हूँ। चलते हैं अभी दूसरी जगह उस साइड, और वहाँ पर एक फ़ोटो खिंचवाएंगे महफिल ढाबा के पास जस्ट बगल। यहाँ पर भी झूला है बच्चों के लिए, ये बहुत अच्छा काम करते हैं कि झूला लगा देते। एसी हॉल ओनली फॉर फैमिली, ये एसी वाला, ये फैमिली वाला है, वो भी फैमिली वाला है, ये लाउंडर वाला है, देख रहे हो कैसे बोल रहा है। इसके अंदर क्या है, चलते हैं अंदर देखते हैं, अंदर जाने देंगे? अरे भाई बस करो, अभी खिंचवा लेना गाइस। ये है अंदर का कुछ व्यू, ऐसे कालिका का भी ऐसा ही ना। कालिका किस जगह है गाइस? यहाँ पर एसी भी लगी है माशाल्लाह से, अभी तो स्टार्ट नहीं हुई है क्योंकि अभी लोग आए नहीं है तो इसलिए स्टार्ट नहीं हुई है। और माशाल्लाह देख लेते क्या क्या मेन्यू, देखते हैं इसका कितने कितने तक आप लोग अरेंज कर सकते हो, खासकर इसको। ये देखो देखो, काबिल चन्नक साथ पापड़ मिलेगी आपको, हमारा नाम लेंगे तो थोड़ा सस्ते मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। डायरेक्ट मुर्गा देंगे भाई, इसकी उर्दू देख रहे हो एकदम टूटी, डायरेक्ट मुर्गा लेंगे तो। और ये अच्छा, ये देखो फ्री का, अबे ये फ्री की, फ्री की चीज मिले और अरसलान ना पी तो ऐसा ही नहीं लगता। उसके बाद एसी वाला, ये मतलब आदमियों का है ना। और ये बाहर से ऐसे व्यू है, रात को तो और खूबसूरत लगता है, लेकिन हम लोग रात को नहीं आ पाए हैं। रात को भी इंशाल्लाह, रात को भी कोशिश करेंगे आने के लिए, अम्मी से इजाज़त लेकर आएंगे। अगर आपको रात को आने के लिए कमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। ये फैमिली वाला है, अभी उस साइड चलेंगे फ़ोटो खिंचवाएंगे, उसके बाद चलो इसमें नहीं जाना है। चाचा का ढाबा है, यहाँ पर भी कुछ ये सब फैमिली का। तो अभी हम लोग चलेंगे इस साइड फ़ोटो खिंचवाने, फ़ोटो खिंचवाते हैं उसके बाद चलेंगे कौन ढाबा पे। इसलिए मैं छोटा छोटा टूर दिया हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और टाइम भी कम है, मोबाइल भी हीट हो रहा है। ये सावर चलता है रात को, फ़ोटो बहुत ज़बरदस्त आता है, लाइट जलती है बढ़ती नहीं। ये देखो कमज़ोर, ये भी सही हो जाएगा मेरे ही साथ इंशाल्लाह, ये भी बनाएगा। तो अभी हम लोग यहाँ पर फ़ोटो खिंचवाते हैं उसके बाद चलते हैं। तो गाइस अभी यहाँ पर पान लगता है यहाँ पर, हाँ भाई हाँ, तो वही बना रहा हूँ ना भाई, यूट्यूब चला रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे 4000 सब्सक्राइबर है मेरे। कितने रुपए पैकेट, मतलब एक एक कितने का है? एक पान 25। और आपके पास तो पूरा फ्लेवर लग रहा है माशाल्लाह से, हर चीज़ पूरा फ्लेवर, आपको जैसा जो डलवाना है
आप पूरा करवा सकते हैं, जूस भी मिलता है आपके यहाँ माशाल्लाह से। ये सब बाहरी चीज़ लग रही है क्योंकि वो जो सब है ना कोल्ड ड्रिंक ये यहाँ की नहीं है। और ये यहाँ का पूरा पान है, तो मतलब जायका दरबार के जस्ट बगल में है। और अभी हम लोग चलेंगे, आप लोग जिस बार अगर आप जो पान उन खाते हैं तो एक बार ज़रूर विजिट करें। तो अभी हम लोग दूसरी तरफ चलते हैं। ये 60 रुपये का है, 80 रुपये का है, ये 80 रुपये का मिलता है गाइस। वे भाई क्या फेमस है बोलो? ये कीमा पराठा बहुत फेमस है, 80 रुपये का। आपको थोड़ा टाइम लगेगा, इंतजार करना पड़ेगा इसके लिए, 80 रुपये का। अभी हम लोग इसको टेस्ट कर रहे हैं गाइस। टेस्ट में तो माशाल्लाह से बहुत जबर, अभी हम लोग महफिल और जायका दरबार से वीडियो बना के निकल चुके हैं। तो सोच रहे हैं कि यहीं पर व्लॉग ख़त्म करा जाए क्योंकि व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम लोग आपको रात को आकर दिखाने की कोशिश करेंगे अपनी अम्मी से इजाज़त लेकर। और एक ढाबा और है जो कि आपको अगर उसकी वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट में बताएं, और आपका आंगन ढाबा, तो इसकी इंशाल्लाह हम लोग रात को आके बनाएंगे, रात को आके वीडियो बनाएंगे। तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो ज़रूर आएंगे। बस आपको यही बताना था। अगर और आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो करिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।